सतवास तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम टिपरास के रहने वाले परिवार पर जलता हुआ पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल को इंदौर रेफर किया गया। सतवास से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम टिपरास का परिवार शनिवार सुबह बच्चे की मान के कार्यक्रम में किटखेड़ी गया था। वहां से वापस लौटते समय रात्रि 9 बजे विहान आश्रम के पास जलता हुआ नीम का पेड़ तेज हवा आंधी के चलते उन पर गिर पड़ा, जिससे कि बाइक चालक कमल सिंह पिता राजेश ठाकुर उम्र 65 वर्ष, सूरज उम्र 30 वर्ष निवासी बाणगंगा इंदौर, खुशी उम्र 4 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कमल सिंह की पत्नी को घायल अवस्था में इंदौर रेफर किया गया है। पेड़ पर आग कैसे लगी या लगाई गई पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस थाना सतवास के द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई है। सतवास से जीतू सिंगी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।